अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा में हंगामा हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवरिया जिले के बराव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रचार किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा के दौरान एक कार्यकर्ता सुरक्षा घेरे को तेड़कर डी ब्लॉक में घुस गया और अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय पुलिस ने युवक को मौके पर पकड़ लिया। युवक को बैरिकेडिंग से बाहर किया गया। सभी आदरणीय नेतागण मंच पर बैठ जाइए। जहां पंडाल में मुरादाबाद में मुस्लिम लड़की शिफा ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म अपनाकर शिफा ने अपने प्रेमी अनमोल से आज शादी रचाई है। पागबाड़ा थाना क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है। अमरोहा की रहने वाली शिफा मुरादाबाद में रहकर जॉब करती है। जॉब के दौरान ही अनमोल के संपर्क में आई और अब शादी रचा ली है। से उनकी शॉप है, मैं उस पे गई थी, फिर हमारी बातचीत हुई थी इसीलिए। तो क्या परिवार से अलग रहती थी यहाँ पे आप? जी मैं परिवार से अलग ही रहती थी। जी बिल्कुल। तो उसे कैसे मैनेज किया, क्या हुआ फिर उसका? उसे मैनेज तो अभी नहीं हो पाया है। उन्होंने मतलब मेरे से सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर रखे हैं और उनके घर वालों ने भी कर रखे हैं, मेरे हस्बैंड के। हमने आर्य समाज मंदिर में शादी करी है। ठीक है, अब कहाँ आप कहाँ रह रहे हैं? पार्क बड़े में। मतलब जो है आपके साथ ही रह रही हैं? मतलब हमारे साथ रह रही हैं वहाँ समाथल में। अच्छा, परिवार को पता है आपके? परिवार को पता है। कोई विरोध नहीं? उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। लखनऊ में बीती शाम एक ऑटो चालक अचानक जमीन पर गिर गया और बाद में उसकी जान चली गई। हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं नौतपा भी चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले दो दिन तो बेहद ही भारी रह सकते हैं। सोमवार की शाम करीब 4 बजे स्टेशन रोड पर एक ऑटो चालक अपने ऑटो को रोकता है। अचानक वो जमीन पर ऐसा गिरता है कि फिर नहीं उठ पाता। कुछ समय के लिए तो उसके शरीर में हरकत हो रही थी, लेकिन बाद में जब लोग उसके पास गए, उसे जगाने की कोशिश की, तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। घटना के वक्त ऑटो चालक राम सिंह ने अचानक ऑटो को ब्रेक लगाकर रोक दिया और जमीन पर गिर पड़ा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। उसकी जेब से आधार कार्ड मिला। बाद में घर वालों को भी जानकारी दी गई। आशंका जताई जा रही है कि राम सिंह की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई। पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ रही है, आसमान से मानो आग बरस रही हो। उत्तर भारत में तो गर्मी झुलसाने पर आमदा है। कई जगहों से गर्मी से मौत की खबरें 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सोमवार को पारा 44.3 पर था, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। 5 सालों में मई महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन बीता। लखनऊ में लोग गर्मी से बेहाल हैं। उमस सुबह से ही परेशान कर रही है। आने वाले 2 दिनों तक लखनऊ को कोई राहत मिलने के आसार नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज धूप और लू से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि दोपहर के समय घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। पारा लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। लखनऊ में टेम्परेचर की बात करें तो कल 44 डिग्री के पार टेम्परेचर रहा और अभी ये रिकॉर्ड और भी ज़्यादा टूटने बाकी बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इस गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में लोगों को अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, खुद को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है और कहा जा रहा है कि बेहद ज़रूरी काम हो तभी इस धूप में, इस गर्मी में बाहर निकले। वहीं झांसी में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार को अधिकतम 48.1 डिग्री दर्ज किया गया। इतनी गर्मी झांसी में कभी नहीं देखी। 132 साल से दूसरी बार मई के महीने में इतना ज्यादा तापमान रहा। कानपुर में भी तापमान 48 डिग्री के नजदीक पहुंचता दिख रहा है। दिल्ली NCR में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारे का कांटा लगातार बढ़ रहा है।
दिन तो गर्म है ही लेकिन रातों ने भी परेशान कर रखा है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 37 में मौजूद है और आप यहां देखेंगे स्थिति किस कदर है कि दिन में तपिश है, लू है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। हीट वेव चल रही है जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि जगह जगह गन्ने के जूस की दुकानें और जो पानी की दुकानें, कोल्ड ड्रिंक, इनकी बिक्री बढ़ी हुई है। लोग पहुंच रहे हैं और ताकि राहत मिल सके इस तरीके की पानी की मशीनें भी लगी हुई है जगह जगह, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान हो रहा है। हालांकि ऐसा कहा गया है कि